अभी हमने अपना पॉलिटिकल रिविजन हो गया है ख़त्म मेरे का, और अब चलते हैं 12 रुपया लेकर हम चलते हैं चाय पीने, क्योंकि यहाँ पे हम कुल्हड़ का चाय नहीं वह फाइबर के गिलास में चाय पीते हैं, जो कि 12 रुपये में तो चाय मिल जाता है आराम से। हम हैं और मेरा पार्टनर है। क्या भाई, तुम UPSC का तैयारी कर रहा था? UPSC का तैयारी कर रहा था तो टाइम अभी देखते हैं कितना बज रहा है, रात के अभी 12:23 हो रहे हैं और हम लोग चाय पीने आए हैं। सो ये रही अपनी चाय, रात की चाय, क्योंकि जब पढ़ने के बाद जब टाइम मिलता है थोड़ा ब्रेक का, तो हम चाय पीने आते हैं माइंड फ्रेश करने के लिए। सो अब चलते हैं चाय वाय पी के अपने रूम पे, क्योंकि हम लोगों को सुबह निकलना भी है, ट्रेन है हम लोगों का, क्योंकि अकेले से तो क्या सोचें क्या करूं, तो सुबह सुबह ही निकल चुके हैं अपने स्टेशन के लिए। और जो ये आप बाउंड्री देख रहे हैं, ये हमारे प्रयागराज की जो यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वो है। बहुत लोग इसमें वैसे जानते भी होंगे इसके बारे में, तो आपको कुछ थोड़ा व्यू दिखा देते हैं। और कुछ मैंने एक्टिंग किया चलने की, तो स्टेशन के बाहर पहुंचने के बाद फिर हम सोचे कि चाय वाय कुछ पी लेते हैं, क्योंकि ट्रेन में कुछ मिलेगा नहीं, और ट्रेन से वो कोई स्पेशल ट्रेन से हम नहीं जा रहे हैं, पैसेंजर से हम लोग जाएंगे, क्योंकि प्रयाग से हम पैसेंजर ही करते हैं, पैसेंजर सीधा मनकापुर से पहुँचा देती है हम लोगों को। सो बिना कोई दिक्कत की तो ये रही हमारी चाय और 50-50 बिस्किट, हम कोई ये प्रमोशन नहीं कर रहे थे। सो हम पहुंच जाते हैं स्टेशन अपने प्रयाग स्टेशन, जो कि आप देख सकते हैं, और भीड़ अभी आपको दिखाते हैं कि भीड़ कितनी है। ये देखिए भीड़ बहुत ज़्यादा थी। सो ट्रेन में आराम से सीट वीट मिलने के बाद और टाइम पास करने के लिए ये भाई तो फ्री फायर में बैठ गए थे, और हमको क्या करना था, बस म्यूजिक सुनो और आराम से अपना टाइम पास करो। जो लोग पैसेंजर से आए होंगे उनको पता होगा कि कितना भीड़ था भाई। मुझे तो लग रहा था कि अगर प्रतापगढ़ तक ट्रेन थोड़ा बहुत ना खाली हुआ तो मुझे तो पता है लग रहा था कि मैं तो बेहोश हो जाऊंगा उसी ट्रेन में, लेकिन किसी तरह भाई प्रतापगढ़ तक थोड़ा बहुत खाली हुआ, उसके बाद और अगले स्टेशन तक पूरा अधिकतर स्टेशन में और ट्रेन खाली हो गई थी, तो मुझे सीट मिल गई थी हम लोगों को, नहीं तो भाई याद तो मेरा कमाम तमाम होने वाला था, क्योंकि इतनी भीड़ थी और साथ भी लेने का ही भाई इतना भीड़ था कि क्या बताएं। अब कुछ लोग इसमें थे और वो वीडियो देखेंगे तो हाँ बताएंगे कि हाँ शायद सही बता रहे हैं। सो बस आज के लिए इतना ही। और हाँ एक बात आप बता दें, जो कुछ स्टूडेंट वहाँ पर रुके हुए हैं, क्योंकि उन लोगों का UPSC का जो डेट है प्रीलिम्स का, वो पोस्टपोन हो गया है। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।